नमस्कार, मैं अनुज सिंह फिर से अपडेट हेल्प में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। मैं अभी अपने घर के छत पे हूं। बहुत मौसम सुहाना है, दसवीं का दिन है, सभी लोग छुट्टी पे हैं, घर पे जो है आराम कर रहे होंगे मुझे पता है। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि बारिश हो गया है और बारिश होने के बाद जो है हल्का बूंदाबांदी अभी भी हो रहा है। मैं अपने घर के छत पे हूँ। मैं भी जो है अभी खाना वाना खा करके आराम फरमा करके जो है मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो क्या है, किस माध्यम किसके लिए है, वो मैं आगे वीडियो में जो है बात करूंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूंगा कि आज के समय में ईमानदार हर एक लोग नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियां चल रही है और हर एक कंपनियां ये दावा करती है कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि हर एक कंपनी ईमानदार नहीं होता। दावा सभी कोई करता है, लेकिन ईमानदारी बरतने के लिए जो है ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों, बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो ईमानदारी तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन उसी मुश्किल में जो है ना एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने आप को ईमानदार लगातार साबित करने का कोशिश कर रही है और अब तक वो सफल भी हुई है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वीकेंड के जो MD हैं अजय शर्मा जी हैं। और मैं ये ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ, वीकेंड लगातार शुरू से बोलते आ रही है कुछ बात जैसे बोलती आ रही है कि हम कभी भी किसी को सेटिंग नहीं देंगे। हमारे सामने सैकड़ों ऐसे बड़े बड़े लीडर्स आए जो MD से जाकर के मिले और बोले बताए सर हमें जो है ऊपर टॉप की ID दे दीजिए, कौन देख रहा है क्या है। लेकिन अजय शर्मा जी ने साफ मना कर दिया उन सभी को कि दोस्तों हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत नहीं है जो सेटिंग मांगता हो। हमने बकायदा बोल रखा है कि हम किसी को सेटिंग नहीं देंगे तो नहीं देंगे। दूसरी बात है कि 9 MG किसी को मिनिमम गारंटी भी नहीं। कई लोग चलो ये होता है कि चलो सर ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है ऊपर की ID तो नहीं देते हो तो इतना तो कर दो कि हमारा वहाँ पर जो है पे आउट करीब जो है 50,000 है, 1,00,000 है, तो उसका जो है कुछ तो मिनिमम गारंटी कर दो कि सर हम आपके पास आ रहे हैं, हम सारे लीडर्स को लेकर के आ जाएंगे, तो कुछ हमें जो है मिनिमम गारंटी कर दो कि हम आपको जो है मंथली इतना दे देंगे, 6 महीना साल भर तक मुझे दो, जब मेरा फिर से जो है मेरा इनकम आने लगेगा तो फिर मैं आपसे नहीं लूँगा। अजय शर्मा जी इसके लिए भी लोगों को लीडर्स को मना किया, नो सेटिंग, नो MG, नो हेलीकॉप्टर एंट्री, आपको मैंने बता दिया, नो मिसगाइड, नो मिसलीडिंग। मिसगाइड भी आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी को करते हुए जो भी बात है खड़ा बोल देते हैं कि दोस्त ऐसे ऐसे ये हमारे कंपनी का रूल है और अगर आप जो है चाहते हो कि यहाँ पर वर्क करें तो इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कोई हमारे पास इस तरह का जो है ना मिसगाइड करने का मतलब कि नहीं किया। अब मैं इसका एक प्रमाण ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। अभी इस मंथ का जो है क्लोजिंग हुआ, बहुत शानदार क्लोजिंग हुआ, और अगर बात करूँ क्लोजिंग का तो ज़बरदस्त जो है कंपनी का इस मंथ जो है टर्नओवर आया। टर्नओवर आने का भी कारण हो सकता है ऐसा भी हो, अच्छा टर्नओवर आने के कारण कि कंपनी ने जो है ना जिम कॉर्बेट के लिए जो है रखा हुआ था कि अगर कोई ये कुछ टारगेट था कि उसको अचीव करेगा तो जिम कॉर्बेट जो है बंदा जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना अचीव किया और बहुत सारे डायमंड से अचीव किए, बहुत सारे लोग गोल्ड अचीव किए, बहुत सारे लोग स्टार अचीव किए, बहुत सारे नए बंदे भी आए। कुछ लोग जो है डायमंड से जो है डबल डायमंड में गए, कुछ लोग डबल डायमंड से ब्लैक डायमंड में गए। पे आउट के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम पे आउट जो है मोर देन 1,00,000, 1,00,000 से ऊपर चला गया दोस्तों। बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जो लगातार बढ़ते क्रम में जो है अपना पे आउट दिखाती है। इस कंपनी के कुछ ID ऐसे हैं, कुछ ID का मतलब जो टॉप की ID है वो लगातार अपने जो है ना चेक जो है ना बढ़ते क्रम में दिखा रही है। लेडीज है और हाउस वाइफ है, और एक हाउस वाइफ का जो है चेक 1,00,000 से ऊपर आ जाना ये एक जो है मोटिवेशन का विषय है सभी लोगों के लिए जो वीकेंड में है और जो वीकेंड में नहीं है। आप वीकेंड में नहीं हो लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए सोच रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग ज़रूर करो दोस्तों। वजह क्या है कि एक हाउस वाइफ भी अगर 1,00,000 रुपया से ऊपर का इनकम कर सकती है तो आप सभी क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। और ये पोटेंशियल जो है ना, वीकेंड के बारे में नहीं बात करता हूँ, ये पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग का ये पोटेंशियल है कि आपका जो है एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क बनने के बाद जो है आप अच्छा इनकम कर लेते हैं। इनकम करने का एक और जरिया होता है, चलो नेटवर्क बहुत कई बार लोगों का बन भी जाता है लेकिन टर्नओवर बहुत ज़्यादा दे करके जो है ना आपको तब आपका पे आउट मिलता है। लेकिन वीकेंड का प्लान ऐसा है दोस्तों,
कि मात्र जो है अगर बात करूं 1 लाख रुपए में बात करूं तो 1 लाख रुपया लेफ्ट और 1 लाख रुपया राइट अगर जो है आपका टर्नओवर हो जाता है, मात्र 2 लेख का जनरेशन प्लान है और वहां पर 1 लाख लेफ्ट और 1 लाख राइट का जो है टर्नओवर आ जाता है, आपका जो है टर्नओवर आप करते हो तो आपका पे आउट अप्रोक्स जो है 25,000 के करीब करीब आता है। तो इतना ज़बरदस्त पे आउट हमें नहीं लगता है कि किसी कंपनी में मिलता होगा, मिलता है खास करके जो है इथिकल कंपनी में। मनी रोटेशन वाली बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं दोस्तों जो भ्रमित हो जाते हैं, उनको उनके उनके पास जो है पे आउट कम आता है और मनी रोटेशन वाले अपना पे आउट जब दिखाते हैं तो उनका मन कहीं ना कहीं, चूंकि देखो हर एक लोगों को पैसा चाहिए होता है, उनका मन विचलित हो जाता है और उनको लगता है यार चलो हम भी जो है ना मनी रोटेशन कुछ दिन के लिए ट्राई कर लेते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं दोस्तों, फिर वहाँ पर अपना फेस वैल्यू ख़राब करके पुनः जो है डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। फिर से फेस वैल्यू बनाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, आपके अपने आप जिसको भी आप अगर ज्वाइनिंग लगवाते हो सारे मैक्सिमम लोग आपके अपने लोग होते हैं तो वहाँ पर फेस वैल्यू जब आपका ख़राब होता है तो बनाना बहुत मुश्किल होता है, आपका नेटवर्क जो है ना बिल्कुल एक तरह से मान के चलो टूट सा जाता है और ऐसे ही बंदे जो है ना नेटवर्क छोड़ने को जो है ख्याल कर लेते हैं कि चलो यार अब मुझे नेटवर्क नहीं करना है और नेटवर्क छोड़ देते हैं। तो मैं पिछले मंथ का जो है अगर टर्नओवर के बारे में बात करूँ तो पिछले मंथ का टर्नओवर मैंने जो है ना एक पेपर पर लिख लिया है, पिछले मंथ का टर्नओवर टोटल हो गया है 9,14,000 का जो है दोस्तों, पिछले मंथ का टर्नओवर है और 9,14,000। देखो मैं ये बात ये इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पेपर पे लिख लिया हूँ, बाकायदा उन्होंने जो है ना ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से जो है ना अपना सिस्टम को लाइव करके दिखाया सारे लोगों को कि अब तक शुरू से दोस्तों मार्च से जो है कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज अभी अक्टूबर मंथ का है तो मार्च का क्लोजिंग अप्रैल में, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6-7 महीने का जितना भी टर्नओवर है बकायदा उन्होंने दिखाया। और पॉइंट वैल्यू देखो अब जो है ना कई बार बहुत सारी कंपनियां ऐसा होती है कि पॉइंट वैल्यू से जो है छेड़छाड़ करती है, लेकिन वहां पर बकायदा फिक्स किया हुआ है और कंप्यूटर जो है जनरेट किया हुआ जो है पॉइंट वैल्यू वहां पर दिखाता है। कभी भी जो है ना एमडी हमारे जो है छेड़छाड़ नहीं किया, चूँकि मैं पिछला सारा जो है चेक करके देख लिया तो मैंने सारे के सारे बिल्कुल एक्यूरेट जो है वही पॉइंट वैल्यू बताया गया हमें जो पॉइंट वैल्यू वहां पर सिस्टम में दिखा रहा था। तो ये सब जो है ईमानदारी कहीं ना कहीं जो है वीकेंड अपना दिखाती है, या फिर मैं यही बोलूँगा कि अजय शर्मा जी का ये ईमानदारी है और बाकायदा जो है जब जैसे अजय शर्मा जी बोलते हैं कि हम सिस्टम खोल के दिखाएंगे और वो सिस्टम खोल करके दिखाएं। तो मैं बात कर रहा था पॉइंट वैल्यू का दोस्तों, रनर का जो है ना, रनर का मतलब 800-800 के मैचिंग होता है तो दोस्त जो है लीडर रनर कहलाते हैं और रनर का पॉइंट वैल्यू आया है 86। अब 86 कैसे आया आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, बाकायदा दिखाया गया अब कि आपका जो है 9,14,000 का जो है टर्नओवर है और कंपनी बोलती है 20% निकालते हैं, 20% आप 9,14,000 का निकालो और टोटल रनर अचीवर है 2,117 रनर टोटल अचीवर है जिनको जो है रनर का जो है पैसा जाएगा, तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा तो 86 पॉइंट वैल्यू आएगा, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार अचीवर 754 लोग है और इसका पॉइंट वैल्यू 242 रुपये आया है। गोल्ड जो है 20,000 के मैचिंग वाले उसको गोल्ड बोलते हैं, यहाँ पर जो है 67 अचीवर हैं इस बार और इसका पॉइंट वैल्यू 1,364 रुपये आया है। अब यहाँ पर जो है ना बाइक फंड भी देखिए, इस मंथ से जो है हमारे कंपनी के एमडी जो है ना बाइक फंड दे दिया है, बाइक फंड जो है फिक्स है 1,500 रुपये आपको बाइक फंड के रूप में मिल जाएगा, फिक्स ही है ये टर्नओवर पे जो है टर्नओवर से जिसको कोई मतलब नहीं है, आप जो है अगर गोल्ड अचीव करते हो तो आपको जो है 1,500 रुपया मिलेगा ही मिलेगा और ना 1,500 से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका जो है 20,000 की मैचिंग की जगह 40,000 का मैचिंग हो गया है तो आपको जो है 1,500 का 3,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है, फिक्स जो है 1,500 रुपया जो है आपको मिलेगा। गोल्ड अचीवर टोटल इस बार 15 है। अब मैं बात करता हूँ डायमंड जो है 21 लोग अचीव किए हैं और यहाँ पर जो है आपका पॉइंट वैल्यू है 6,528 रुपये, 6,528। और ट्रेवल फंड जो है टोटल 21 लोग अचीव किए हैं, चूँकि जितना लोग डायमंड अचीव करेंगे 50,000 की मैचिंग वाले ही ट्रेवल फंड मिलता है तो 21 जो है ट्रेवल फंड वाले हो गए, इसका पॉइंट वैल्यू है 1,305 रुपया। कार फंड 15 लोग अचीवर हैं, अर्थात कार फंड 15 अचीवर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कार फंड किसको मिलता है जो डबल डायमंड हो जाता है, तो इसका मतलब 15 डबल डायमंड है आपके और यहाँ पर जो है 3,046 रुपया कार फंड है। और हाउस फंड है 12, तो हाउस फंड 12 का मतलब हो गया यहाँ पर जो है 5,331 रुपया जो है यहाँ पर पॉइंट वैल्यू इसका आया है।
तो अगर आप जो है ना, अगर 80 टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 80% है, तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर 80% डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं तो यहाँ पर 50,000 की मैचिंग पे 25,000 से 26,000 रुपये आपका पे आउट बनता है। मैंने एक लाख लेफ्ट और 1,00,000 राइट अगर आप कर लेते हैं तो टोटल आपका जो पे आउट बनता है वो करीब करीब 25,000 से 26,000 बनता है। तो ये ज़बरदस्त जो है दोस्तों, मैं ईमानदारी के बारे में बात कर रहा था, बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो इतना ईमानदारी रखती हैं। बोलने के लिए तो सबको ही बोल देती है, लेकिन अपना आप सिस्टम को लाइव करके दिखाइए। जैसे ही सिस्टम लाइव करेंगे तो उनका जितना भी झूठ है वो पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए लोग लाइव नहीं करते हैं। लेकिन अजय शर्मा जी को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने जो है जो बोला सो दिखाया, जो किया और उसका जो है जो बोला सो किया, और बकायदा जो है लाइव कर करके दिखाया उन्होंने कि कितना कितना हमारा जो है टर्न ओवर है हर एक मंथ का और पॉइंट वैल्यू क्या आया है, बकायदा उन्होंने दिया। मैं उसका स्क्रीनशॉट जैसा कि मैं पहले लगा चुका हूं, आप लोग देख चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को वीकेंड में आना है, वीकेंड क्या बोलिए, एक ईमानदार कंपनी में आना है, एक ईमानदार मैनेजमेंट के साथ काम करना है, लेकिन दोस्तों फिर मैं बताऊंगा कि यहां पर कोई सेटिंग नहीं मिलने जा रहा है, कभी भी आपका प्लेसमेंट सबसे नीचे से शुरुआत करना होगा, और कभी भी जो है कोई सेटिंग का उम्मीद ना रखें, तभी आप आएँ, तभी जो है आप मुझे कॉल करें। नीचे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह डालूंगा। अगर आप, जब ये सारे शर्त आपको मंजूर रहेगा तभी इस कंपनी में आएँ। सीधा हमारा भी यही कहना है कि आप एक अच्छे लीडर तभी कहलाते हैं जब अपने बलबूते पर काम करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपलाइन का कहीं ना कहीं सहयोग रहता है, वो तो हमेशा रहेगा, जैसे सबको ही रहता है। दो लेग का सिंपल सा प्लान है, प्लान जानकारी के लिए नीचे मैं वीडियो भी डाल देता हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अनुज सिंह का फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।